How you pack rules for naming alkanes? First rule है, select the longest carbon-carbon chain containing maximum substituent. और इस longest chain को हम parent chain कहते हैं और parent chain का name are derived from the common system. मतलब common system में हम pipe carbon alkane के लिए fent use करते हैं, that is pentane. और 6 carbon के लिए हम hex use करते हैं, that is hexane. और एट के लिए हम ऑक्टेन यूज़ करते हैं. ठीक है, तो इस पेरेंट चेन का नाम जो है वो हम डिराइव वी आर डिराइव फ्रॉम द कॉमन सिस्टम. फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2 CH3 एंड CH3 ये एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड में टू चेन है. फर्स्ट चेन जो है ये वाला, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है जो मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, और दूसरा जो है वो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन वो 5 है. ठीक है, तो हम अकॉर्डिंग टू रूल्स के मुताबिक हम ये वाला चेन सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है. इसमें 5 कार्बन है और इसमें 4 कार्बन है. ठीक है, सेकंड रूल्स हैं, नंबर द कार्बन ऑफ द पेरेंट चेन फ्रॉम द दोस्त एंड वेयर गिव टू द सब्स्टिट्यूएंट टू द लोएस्ट नंबर. हम सेकंड रूल्स के मुताबिक हम नंबरिंग स्टार्ट करें फ्रॉम दोस साइड टू गिव सब्स्टिट्यूएंट लोएस्ट नंबर. ठीक है, उसका एग्जांपल है CH3 CH2 CH3. तो हम इस साइड से नंबर स्टार्ट करेंगे क्योंकि इस साइड से सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन पे आते हैं और इस साइड से सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पोजीशन पे आते हैं. क्योंकि वी स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड, दैट इज 1, दैट इज 2 3 एंड दैट इज 4. नेक्स्ट टूल, द नेम ऑफ पेरेंट चेन इज डिराइव फ्रॉम द कॉमन सिस्टम. मतलब कॉमन सिस्टम में जो हम पाइप के लिए फेंट यूज़ करते हैं, नाइन कार्बन के लिए हम नोन यूज़ करते हैं, तो पेरेंट चेन का नेम हम वी आर डिराइव फ्रॉम द कॉमन सिस्टम. फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2 CH3, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 हैं, तो कॉमन सिस्टम में पाइप के लिए हम यूज़ करते हैं पेंट, और चूंकि सिंगल बॉन्ड है अल्केन है तो उसका नेम है दैट इज पेंटेन. सेकंड वन है CH3 CH2 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 CH3, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन है दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, तो कॉमन सिस्टम में 7 के लिए हम यूज़ करते हैं एन मतलब सिंगल बॉन्ड. ठीक है, क्योंकि अल्केन है एंड बेसिकली रिप्रेजेंट अल्केन्स. नेमिंग ऑर्डर, फर्स्ट इंडिकेट द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, देन नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, एंड लास्ट वी राइट द पेरेंट चेन नेम. फॉर एग्जांपल है CH3 CH CH3 CH2 CH3, तो हम उसका नेम ऑर्डर यह है कि हम फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन लिखेंगे और इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखेंगे और इसके बाद जो पेरेंट चेन का नेम है वो हम लास्ट में राइट करें. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको नेम देता हूँ, इट इज़ 1 2 3 4, तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन है 2, सब्स्टिट्यूएंट का नेम जो है मिथाइल, और पेरेंट चेन का नेम है दैट इज़ ब्यूटेन. ठीक है, तो उसका नेम हुआ 2-methyl-butane. एंड टू सेपरेट द पोजीशन एंड सब्स्टिट्यूएंट वी यूज़ अ हाइफन. हम हाइफन यूज़ करते हैं टू सेपरेट द पोजीशन एंड नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट. सेकंड वन एग्जांपल है CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, तो इसमें फर्स्ट लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास ये है. ठीक है, देयर इज लॉन्गेस्ट चेन, ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है. ठीक है, और दैट इज़ नंबरिंग हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे विथ 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो और ये हमारे पास है सब्स्टिट्यूएंट, और हम इसको ब्रांच भी कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट आर ब्रांच आर ग्रुप्स, तो उसका नेम है पोजीशन हम फर्स्ट लिखेंगे दैट इज 3 पोजीशन पे अटैच है इथाइल ग्रुप 3-ethyl. सब्स्टिट्यूएंट का नेम इथाइल है क्योंकि इसमें 2 कार्बन है, 3-ethyl, एंड देन पेरेंट चेन नेम दैट इज हेग्जेन.
ठीक है, तो इसका नेम हो गया त्रीइथाइल हेक्सेन। नेक्स्ट है इफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट आर अटैच्ड टू द पेरेंट चेन एंड आर आइडेंटिकल, तो हम डाई यूज़ करते हैं टू के लिए पर टू, ट्राई पर थ्री एंड टेट्रा पर फोर। मतलब हमारे पास अगर सब्स्टिट्यूएंट मोर देन वन हो विच अटैच टू द पेरेंट चेन और आइडेंटिकल हो मतलब सेम हो, तो टू सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम डाई यूज़ करते हैं और थ्री सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम ट्राई यूज़ करते हैं। इसी तरह वी यूज़ फॉर फोर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट वी यूज़ ट्राई एंड दिस डाई ट्राई एंड टेट्रा यूज़ बिफोर द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट के नेम से पहले हम इसको लिखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें मैं नंबर स्टार्ट करूँगा 1 2 3 4, ठीक है, 4 कार्बन्स इसमें, और इसमें 2 आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये है और दूसरा ये है, ठीक है, एंड दैट इज़ मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, तो उसको मैं नेम देता हूँ, ठीक है, इसमें है 2 3, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट 2 है, 2 के लिए हम डाई यूज़ करते हैं, डाई सब्स्टिट्यूएंट का नेम है मिथाइल और पेरेंट चेन नेम है ब्यूटेन, सो 2,3-dimethylbutane इसका नेम है। ठीक है, अब दूसरे एग्जांपल में इसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 3 है और मिथाइल है, मीन आइडेंटिकल है, तो उसका नेम हो गया, ठीक है, उसका नेम है 1,2,3,4,5, ठीक है, हम नंबरिंग इस साइड भी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका नेम है 2,3,4 ट्राई मिथाइल और पेरेंट चेन नेम है पेंटेन, तो इस कंपाउंड का नेम हो गया 2,3,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। इफ द टू आर मोर सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट देन इट शुड बी नेम अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अगर हमारे पास पेरेंट चेन को मोर देन टू सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो और वो डिफरेंट हो, आइडेंटिकल नहीं हो, तो उसको हम नेम देंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, फॉर एग्जांपल इथाइल बिफोर राइट मिथाइल एंड मिथाइल राइट बिफोर प्रोफाइल। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड है और उसका नेम हम नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ 1,2,3,4,5,6, तो इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं एंड दीज आर नॉन आइडेंटिकल, एक है मिथाइल और सेकंड वन है दैट इज इथाइल, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई जो है वो फर्स्ट आता है और इसके बाद एम है। ठीक है, तो हम फर्स्ट नेम इथाइल का लिखेंगे। ठीक है, तो इसका नेम है दैट इज 4-ethyl, देन 2-methyl और लास्ट वन पेरेंट चेन नेम जिसमें 6 कार्बन है, तो उसका नेम है हेक्सेन, तो 4-ethyl 2-methyl हेक्सेन इस फार्मूला का नेम है।